यू फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का कंसेप्ट। ठीक है गाइस, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या है? इडियम्स एंड फ्रेजेस कहाँ यूज करे जाते हैं? इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? हमारे एक्सप्रेशन है जो बोलने के, हम जैसे हिंदी में कहते हैं मुहावरे बोलते हैं, पंजाबी में मुहावरे बोलते हैं, अखान बोलते हैं, है ना, वाक्यांश बोलते हैं, है ना, किसी चीज के लिए स्टेटमेंट देने के लिए। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, एक एक्सप्रेशन है जिसको हम बोलने की लैंग्वेज में यूज करते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? एक अनार सो भी मार, है ना, ऐसे होते हैं। तो इनके मीनिंग तो नहीं होते ना, मीनिंग तो डिटेल में हमें समझ नहीं पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि जो एक एक्सप्रेशन है उसका मीनिंग सेम आएगा। ठीक है, सो इडियम एंड फ्रेजेस क्या होता है? हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें लगता है कि हमें डिटेल में बताने की जगह पे हम क्या करें, उसकी जगह इडियम लगा दो, सामने वाला तो वैसे ही इफेक्ट पड़ जाएगा। सही है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगता है। काफी लोगों का जिनका इंग्लिश लगता है बहुत अच्छा है ना, ये सब्जेक्ट अच्छा है, तो बहुत डे टू डे लाइफ में बोलने के लिए भी यूज करते हैं इडियम्स। अब हम सीखेंगे कि कैसे इन इडियम्स को हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। एंड मोर ओवर गाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये इडियम्स फ्रेजेस, ठीक है, किस सब्जेक्ट के लिए, किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात करें कि इडियम फ्रेजेस कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये एसएससी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी सीजीएल एंड ऑल इसके एग्जाम के लिए इडियम्स बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, स्टेट एग्जाम के लिए, अगर हम पंजाब स्टेट के एग्जाम्स की बात करें जिसमें हम बात करते हैं हाईकोर्ट के एग्जाम की, पटवारी के एग्जाम की, पीपीएससी के एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है ना, पीएसपीसीएल का कोई भी एग्जाम है, ठीक है, पंजाब स्टेट का, उसमें आता है स्टेट एग्जाम। कोई भी किसी स्टेट के एग्जाम है वहां पे इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज करे जाते हैं। एंड उसके बाद अगर बात करोगे बैंकिंग में भी फ्रेजेस यूज करे जाते हैं। अब तो डिफिकल्ट लेवल कर दिया है बैंकिंग हाउस के लिए, क्या ये फ्रेजेस यूज करने स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो हम स्टार्ट करते हैं इडियम्स को अपनी क्लास में और सीखते हैं कुछ को इडियम्स मिनटों में, और पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे आपने 10 मिनट में अच्छे अच्छे नए नए इडियम्स सीख लिए। ठीक है गाइस, तो चलो पहला इडियम मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला सेंटेंस लिखा कि हम क्या करते हैं। फर्स्ट इडियम की अगर बात करें, हम लोग किसी को जब हम बेस्ट विशेस देते हैं, सपोज मुझे किसी ने बेस्ट विशेस देनी है, तो मेरे अगर मैंने काम शुरू करा है ना, अपना काम कुछ स्टार्ट करा है या करना है, उसके लिए किसी भी चीज के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, तो मुझे बेस्ट विशेस मिलती हैं। तो बेस्ट विशेस कैसे देते हैं, बेस्ट ऑफ लक कैसे बोलते हैं, ये वाला साइन होता है, ये वाला साइन देके हम ऑल द बेस्ट या गुड लक या बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं ना, ये वाला साइन बोलते हैं। बट गाइस, इसको अगर हम इंग्लिश में एक लाइन में, इडियमेटिक लाइन में अगर बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे, उसके लिए एक और साइन आता है, ये वाला साइन। ठीक है, तो ये साइन क्या कहता है कि वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, की वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, ये गुड लक का साइन है। ठीक है जी, ओके okay, तो इसका मतलब क्या है कि वंस फिंगर्स क्रॉस, किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए, गुड लक विश करने के लिए हम ये वाला इडियम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड टू विश गुड लक, गुड लक विश करना किसी को, बेस्ट ऑफ लक बोलना। ठीक है, चलो हम लोग गुड लक या विश किसको करते हैं, बेस्ट विशेस किस चीज के लिए देते हैं, इस चीज के लिए देते हैं कि हम सब की हेल्थ अच्छी रहे, हम सब किस में रहे, पिंक हेल्थ में रहे। पिंक हेल्थ का मतलब क्या होता है, आप देखो इसके लिए आइडियम क्या बोलते हैं, हमने विश करा, गुड लक करा किसके लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ, बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ। अब गाइस, पिंक कलर किस चीज का साइन है, पिंक कलर पीस का साइन है, ठीक है, स्मूथनेस का, स्वीटनेस का साइन है, पिंक कलर पीस का एंड स्वीटनेस का साइन है। ठीक है, पिंक कलर गर्ल्स, मोस्टली गर्ल्स वेयर करती है, बॉयज डोंट वेयर, कुछ सोफिस्टिकेटेड बॉयज होते हैं दे डोंट वेयर पिंक शर्ट्स, है ना, पिंक क्लोथ्स नहीं पहनते, अवॉइड करते हैं, क्योंकि दे थिंक कि हाँ ये तो गर्ल्स का कलर है, गर्ल्स ही पहनती है। तो ऑब्वियसली डेफिनेटली है कि गर्ल्स, गर्ल्स क्या होती है, गर्ल्स मतलब फुल ऑफ पीस, स्वीटनेस फुल होती है। ठीक है, सो पिंक कलर किस चीज का साइन होता है, स्वीटनेस का, पीस का। ठीक है, बट ये वाला जब हम इडियम यूज करेंगे इन द पिंक ऑफ हेल्थ, इसका मतलब क्या होता है, इन गुड हेल्थ,
क्लियर। अगर आपने किसी को बोलना है, अगर बोलते हो कि मैं अच्छा चल रहा हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी चल रही है, तो आप क्या बोल सकते हो? आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ। पिंक हेल्थ होना मतलब अच्छी हेल्थ होना, ठीक है। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर्स को क्रॉस क्यों करते हैं? किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए, गुड लक बोलने के लिए। गुड लक किस चीज के लिए देते हैं हम लोग? उनकी पिंक हेल्थ के लिए देते हैं, कि पिंक हेल्थ रहे मतलब आप हेल्दी रहो, ठीक है। चलो अब उसके बाद, जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हम गुड हेल्थ में होते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं, हमारा सब सिस्टम अच्छा चल रहा है, हम पूरे हेल्दी वेल्दी हैं, तो फिर हम क्या होते हैं? तो हम जाके कहाँ बैठ जाते हैं? नाइन्थ क्लाउड पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। हम लोग कई बार कई बार आपको बोलते हैं ना सामने लोगों, तेरा दिमाग तो सपने आसमान पे हो चुका है, इसका मतलब क्या होता है? दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है, ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बट जब सातवें आसमान पे जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, बट अगर नौवें क्लाउड पे चले जाते हैं, नौवें आसमान पे चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? हम बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब देखो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, अगर मैं बोलूं ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन, जब हम पिंक हेल्थ में होते हैं, हम हेल्दी होते हैं, तो हम कहां पहुंच जाते हैं? नौवें आसमान पे पहुंच जाते हैं। नौवें आसमान पे होना मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना। नौवें क्लाउड पे होना मतलब, नाइन्थ क्लाउड पे होना मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है। ये तीनों समझ में आ गया आपको? चलो, हम किसी को क्रॉस फिंगर का साइन कब देते हैं? जब उनको हम गुड लक या बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक हम किसके लिए बोलते हैं? ताकि उनकी पिंक हेल्थ रहे, पिंक हेल्थ मतलब वो हेल्दी रहे, ठीक है, ओके। जब वो हम हेल्दी रहते हैं, ठीक है, जब हम हेल्दी रहते हैं तो क्या होता है? हम कौन से क्लाउड पे चढ़ जाते हैं? नाइन्थ क्लाउड पे होते हैं। सातवें आसमान पे होना मतलब दिमाग का खराब हो जाना, और नौवें क्लाउड पे होना मतलब क्या होना है? बहुत ज्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी होना। चलो, ये तो तीन आइटम्स का लिंक बन गया, आपको याद हो गए होंगे। चलो अगर फोर्थ की बात करते हैं, हम रहते तो बहुत खुश है, एक्सट्रीमली हैप्पी, बट कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमें हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? उसके लिए आप बोल सकते हो समटाइम्स को कैसे बोल सकते हो आप? ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ठीक है, एट टाइम्स, ऑफ एंड ऑन, एट टाइम्स, और क्या बोलते हैं इसको? नाउ एंड देन बोला जाता है इसको, नाउ एंड देन बोल देते हैं। ये तीनों का मतलब क्या होता है कि वैसे तो बहुत खुश होते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हम खुश होते हैं, बट क्या होता है कभी कभी सम टाइम्स हमें कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, है ना, वी डोंट फील हेल्दी, तबीयत नहीं भी ठीक होता कभी, हर एक टाइम में तो नहीं है हम नौवें क्लाउड पे बैठे रहेंगे, ठीक है, हमेशा तो नहीं पिंक हेल्थ रहता, ठीक है, हर एक टाइम तो विशेष भी अच्छी मिलती है हमें, गुड लक हमेशा तो नहीं मिलता, कभी कभी कोई कर्स भी कर देते हैं, हमें शाप भी दे देते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो थे हमारे फोर आइटम्स, आगे इसका लिंक जोड़ते हैं नेक्स्ट आइटम के साथ। अब इसके साथ ही आपको चार आइटम्स याद हो गए। फर्स्ट वन हम बात करेंगे की वन फिंगर्स क्रॉस, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक बोलना किसी को, और किसके लिए बोलते हैं हम? ताकि उनकी हेल्थ पिंक हेल्थ रहे, वो हेल्दी रहे, और जब कोई इंसान हेल्दी होता है तो वो कौन से क्लाउड पे होता है? नौवें क्लाउड पे हो जाता है, नाइन्थ क्लाउड पे हो जाता है, क्लाउड नाइन पे चला जाता है वो। और अगर क्लाउड नाइन पे होता है, ठीक है, हर एक टाइम तो नहीं हम खुश रहते, तो समटाइम किसी टाइम पे होता है, ऑफ एंड ऑन, एट टाइम्स, एट टाइम्स बहुत ज्यादा बोलने में यूज करते हैं, एट टाइम्स मैं वहां पे जाता हूँ। कभी कभी क्या रहता है, अपनी तबीयत खराब भी हो जाती है, हम हेल्दी नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो अगर कई बार क्या होता है, किसी टाइम हमें हम हेल्दी नहीं फील कर रहे हैं, सपोज करो किसी टाइम पे हम हेल्दी नहीं फील कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है? अपा बन जाते हैं फ्रेंच पीपल। समटाइम क्या हुआ, हम पिंक हेल्थ में नहीं है, ठीक है, मतलब हम क्लाउड नाइन पे नहीं होते हैं, और समटाइम क्या होता है, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है। जब हमें लगता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, अपा फ्रांस के लोग बन जाते हैं। फ्रांस के लोगों को क्या बोला जाता है? फ्रेंच पीपल बोला जाता है, ठीक है। तो फ्रेंच पीपल क्या करते हैं? फ्रेंच पीपल फ्रेंच लीव लेते हैं। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है? देखो, फ्रेंच लीव, एट टाइम्स क्या होता है, हमारी तबीयत सम टाइम हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो हम क्या ले लेते हैं? फ्रेंच लीव, हम भी बन जाते हैं फ्रांस के लोग, कई बार उनको कॉपी कर लेते हैं, उठा के लीव ले लेते हैं। कैसी लीव ले लेते हैं? एन एब्सेंस
विदाउट परमिशन। कभी कभी हमारी हेल्थ नहीं ठीक है, हमारी हेल्थ हम क्लाउड नाइन पे नहीं है, ठीक है, पिंक हेल्थ में नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, फ्रेंच लीव ले लेते हैं। फ्रेंच लीव लेना मतलब एब्सेंस विदाउट परमिशन, बॉस की परमिशन के बिना हम छुट्टी मार लेते हैं जॉब से, ठीक है, अपने काम से छुट्टी मार लेते हैं बॉस की परमिशन के बिना। और जब आप एक चीज और है, फ्रेंच लोग किस चीज के लिए फेमस है, उनके पोलाइट नेचर के लिए फेमस है। फ्रेंच पीपल आर, फ्रेंच लोग क्या होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, तो उनके वहां पे तो ये फ्रेंच लीव चल जाती है। उनके बॉस थोड़े ज्यादा पोलाइट होते हैं कि उनको फ्रेंच लीव दे देते हैं, अपने यहाँ पे तो नहीं चलती भी, इंडियन और ऊपर से, ठीक है जी, तो अपने यहाँ पे तो फ्रेंच लीव चलती नहीं है, फ्रेंच की छुट्टी हमें तो मिलती नहीं है, बट हमने क्या करा, फ्रेंच लीव ले लिया, फीलिंग खा गए हम भी, फ्रेंच लीव लिया। जैसे ही फ्रेंच लीव लिया तो क्या हो गया, सोचो क्या हो सकता है, मुसीबत में पड़ गए, मुसीबत में पड़ गए। मुसीबत में कैसे पड़े, मुसीबत में पड़ने का क्या बोलते हैं, कि मैं तो मुसीबत में पड़ गया, टू गेट इन टू हॉट वॉटर, मैं तो जी मुसीबत में पड़ गया। मुसीबत में कैसे पड़ गया, हॉट वॉटर मतलब उबलते हुए पानी में पड़े, उबलते हुए पानी में तो पड़ेंगे ही, बिना परमिशन के छुट्टी लेके बैठे हैं बॉस से, ठीक है, बॉस अब हो गया गुस्से, बॉस ने निकाल दिया जॉब से, बॉस कहते चलो जी अब तो घरों को, अब पड़ गया मुसीबत में। टू गेट इन टू हॉट वॉटर मतलब टू गेट इन टू ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना, मुसीबत में पड़ गए। मुसीबत क्यों पड़ी, क्यों होगी, अच्छी खासी चलती हुई जॉब फ्रेंच लीव लेने की वजह से चली गई। कैसी जॉब, आर्म चेयर जॉब, कैसी जॉब, आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर जॉब कैसा होता है, चेयर पड़ी है ऑफिस में, आराम से उसके ऊपर चेयर हाथ रख के ऐसे ऐसे आराम से बैठते हैं, मतलब इतनी रिलैक्सिंग जॉब है, ऊपर से अच्छी सैलरी अच्छी खासी मिल रही है, वो जॉब हाथ से चलेगी। क्यों, फ्रेंच लीव ले ली, बिना बताए छुट्टी ले ली, बिना बताए छुट्टी ली, मुसीबत होगी, मुसीबत क्यों होगी, उन्होंने अपने को इजी जॉब से, एन आर्म चेयर जॉब से निकाल दिया, ठीक है। तो चलो जी, एन आर्म चेयर जॉब चली गई हमारी, एन आर्म चेयर जॉब मतलब इजी एंड वेल पेड जॉब। बट गाइस एक चीज बता दूं, हमारी जॉब ऐसी आर्म चेयर जॉब नहीं है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लेक्चर्स हम बनाते हैं या लेक्चर लगाते हैं, क्लासेस लगाते हैं, घंटों पता नहीं होता, घंटों खड़े रहते हैं, है ना, तीन तीन चार चार पांच पांच घंटे ऐसे पढ़े पढ़ाते रहते हैं, चलता रहते हैं, है ना। तो हमारी तो ऐसी जॉब नहीं है, क्लियर, ठीक है, ऐसे नहीं फील करना कि हाँ सामने वाले की मतलब जॉब और सब बहुत ईजी है, ऐसे नहीं है। एंड मोर ओवर एक वुमेन की लाइफ तो बिल्कुल भी ईजी नहीं होती, आपको ये पता ही होगा इस चीज का, बहुत सारी हर्डल्स आती है, है ना, ग्रो करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए बहुत सारी हर्डल्स आती है, बहुत सारी मुश्किलें आती है, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती है लाइफ में। क्यों, सुबह उठते ही दिमाग में क्या चलता है, कि कपड़े पड़े हैं धोने वाले, चलो कपड़े तो चलो चल जाएगा, वो काम वाली धो जाएगी, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, है ना, बच्चों को भी देखना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, टिफिन पैक करना पड़ेगा, है ना, बहुत सारी हर्डल्स आती है, बहुत सारी मुसीबतें आती है, ठीक है। सो उनकी लाइफ इजी नहीं होती, उनकी जॉब आर्म चेयर जॉब नहीं होती, दे हैव टू स्ट्रगल अलॉट, ठीक है। बट अगर हमारे में डेडिकेशन है तो हरेक जॉब भी आर्म चेयर जॉब लगने लगती है, फिर कभी भी क्या होता है, फ्रेंच लीव मिल जाती है, बॉस फिर हमारे से पोलाइट होते हैं, ठीक है, चला जाओ वापिस फिर इसी बात पे। एंड आर्म चेयर जॉब मतलब इजी जॉब, मुसीबत में क्यों पड़ गए, क्योंकि मुसीबत में क्यों पड़ गए, क्योंकि आर्म चेयर जॉब हाथ से चला गया, ठीक है, आर्म चेयर जॉब हाथ से चला गया, जैसे ही चला गया तो मुसीबत में पड़े, और मुसीबत में पड़े तो क्या हो गए हम लोग, जैसे ही हम मुसीबत में पड़े तो हमारे लिए समस्या होगी कि अब क्या करेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या आने लगता है, उसके बाद हमारे स्टोमक के स्टोमक में बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं, ठीक है, क्यों, मुसीबत में पड़े, आर्मचेयर जॉब चलेगी, ठीक है, तो हमारे पेट में क्या उड़ने लगती है, बटरफ्लाईज उड़ने लगती है, ठीक है। जब बटरफ्लाईज उड़ने का क्या मतलब होता है, कि नर्वस हो जाना, हम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाना, टू हैव, इसके लिए इडियम अगर आप यूज करोगे तो कौन सा इडियम यूज करोगे, हैव बटरफ्लाईज, हैव बटरफ्लाईज इन द स्टोमक, पेट में बटरफ्लाईज का उड़ना, ठीक है, पेट में बटरफ्लाईज कब उड़ती हैं, जब मुसीबत में पड़ जाते हैं, है ना। तो क्या इसका मतलब क्या आता है, टू गेट अ नर्वस फीलिंग,
get a nervous feeling. कहाँ पे? In stomach. Stomach में क्या feel करना? थोड़ा nervous वाली feeling करना होती है ना anxiety. कई बार हम बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए सोच रहे हैं, हम टेंशन में होते हैं, तो मतलब हम थोड़ा एंजाइटी फील करना रहता है, स्टोमक इश्यूज हो जाते हैं. क्यों? हमारे सारा जो माइंड का गेम है हमारे स्टोमक के साथ रिलेटेड है. हम खुश चल रहे हैं तो हमें कोई पेट की प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर हम एंजाइटी फील कर रहे हैं, हम टेंशन में है, तो सबसे पहले हमें स्टोमक का इश्यू होगा. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट. बटरफ्लाईज उड़ने लगी जी, मतलब नर्वस होने लगी, नर्वसनेस होने लगी. क्यों? क्योंकि अब तो हम हो चुके हैं डबल माइंडेड. अब क्या करें? जॉब तो चली गई, क्या ऑप्शन है, क्या हल है मेरे पास इसका? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि डबल माइंडेड होना. डबल माइंडेड मतलब होना मतलब बी इन टू माइंड्स. बी इन टू माइंड्स का मतलब क्या होता है? डाउटफुल होना. अब दिमाग में कश्मकश चल रही है, पूरा परेशान है, पूरा डाउटफुल है, डबल माइंडेड हो रखे हैं. अभी अब मैं क्या करूं, है ना? ठीक है, मतलब वो एक सॉन्ग ही सुना था, कैसी मुश्किल हाय इस कोई इसका हल बता दे, है ना, कि मतलब अब तो समस्या पड़ चुकी है, मुसीबत पड़ चुकी है, अब इसका मैं सलूशन का निकालूं. चलो, जब हम डाउटफुल होते हैं, ठीक है, जब हम डबल माइंडेड होते हैं, टू माइंड्स में होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके बाद? इतने क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, किंतु परंतु और चलते रहते माइंड में, है ना, कि मैं क्या करूं, कैसे ना करूं, किंतु परंतु तो लगी रहती है. तो अगर हम किंतु परंतु को बोलना चाहेंगे तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ्स एंड बट्स. इफ्स एंड बट्स. इफ्स एंड बट्स का मतलब होता है कंफ्यूज होना. कंफ्यूज तो रहेंगे रहेंगे, है ना. कंफ्यूज को और क्या बोला जाता है? एडल्ट बोल देते हैं, एडल्ट बोल देते हैं, परप्लेक्स बोलते हैं. क्लियर? ठीक है जी, ओके गाइस, आपको समझ में आया? इसके साथ ही हमने कर लिया आज की क्लास में 10 idioms, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी करें. और इसको क्या बोलते हैं? बी बिल्डर्ड भी बोलते हैं, बी बिल्डर्ड. ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. ठीक है, आई होप कि आपको ये 10 वर्ड, 10 idioms, 10 phrases तो याद हो ही गए होंगे 5 मिनट 10 मिनट के अंदर. ठीक है, पहले हमने क्या करा? गुड लक करा. क्रॉस फिंगर का साइन मतलब गुड लक विश करना. किस चीज के लिए करते हैं हम लोग? पिंक हेल्थ के लिए. पिंक हेल्थ मतलब हेल्दी हो, हम हेल्दी रहे. ठीक है, जब हम हेल्दी होते हैं, हम पिंक हेल्थ में होते हैं, तो कौन से क्लाउड पे जाकर बैठ जाते हैं हम लोग? क्लाउड 9 पे जाकर बैठ जाते हैं. एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं. जरूरी तो नहीं है कि हमेशा क्लाउड 9 पे बैठे, कभी तो नीचे आके गिरेंगे ना. जब नीचे आके गिरेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? कभी कभी समटाइम हो जाते हैं नीचे आके गिरते हैं, कभी हेल्थ ठीक भी नहीं होता. तो समटाइम्स एट टाइम्स, है ना, ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन, समटाइम्स क्या होता है कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती है. हमारी हेल्थ नहीं ठीक होती तो अपन चुपचाप क्या कर लेते हैं? कौन सी लीव ले लेते हैं? फ्रेंच लीव ले लेते हैं. बॉस को बिना बताए, एब्सेंस विदाउट परमिशन, गायब हो जाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं. ठीक है, गायब भी हो जाते हैं, फ्रेंच लीव ले लेते हैं. फ्रेंच लीव लिया, हम यहाँ पे फ्रेंच, फ्रांस के लोग ले सकते हैं, अपन ही ले सकते हैं. ठीक है, फ्रेंच लीव लिया, और फ्रेंच लीव लेते ही जॉब से बाहर निकाल दिया बॉस ने. जैसे ही जॉब से बाहर निकाला तो हम कहां पड़ गए? गेट इन टू हॉट वाटर. हॉट वाटर मतलब मुसीबत में पड़ गए. मुसीबत में क्यों पड़े? अच्छी खासी आर्म चेयर जॉब थी, चली गई. ठीक है, अब आर्म चेयर जॉब जैसे ही चली गई तो क्या होने लग गया स्टमक में? बटरफ्लाईज उड़ने लगी. बटरफ्लाईज उड़ने का मतलब क्या होता है? नर्वस फीलिंग आना. नर्वस रहते कुछ अच्छा नहीं लगता, भूख नहीं लगती, कुछ खाते नहीं है. ठीक है, जब बटरफ्लाईज उड़ती है तो फिर क्या होता है? डबल माइंडेड रहते हैं, भी मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल भाई. ठीक है, अब ये मुश्किल को कैसे हल करूं, अब मैं क्या करूं, जॉब तो चली गई मेरी. तो उसके लिए क्या होते हैं हम? बी इन टू माइंड्स, डबल माइंडेड होना. ठीक है, डाउटफुल होना. जब डाउटफुल होते हैं तो क्या चलता रहता है दिमाग में? किंतु परंतु चलती रहती है. किंतु परंतु चलती रहती है मतलब कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, एडल रहते हैं, पजल रहते हैं, परप्लेक्स रहते हैं, बिब्लेडर्ड रहते हैं. पजल भी लिख लो. ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारे 10 idioms याद कर लिए हमने, और 10 idioms मुझे नहीं लगता आप भूलने वाले. एंड मोरओवर गाइस, एक चीज और बताऊं कि ये जो idioms है ये तो हाथों हाथ ऐसे याद हो जाते अगर आप करना चाहो तो, है ना, जितने मर्जी कर लो अबंडेंस में. और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसे idioms लिंक बना के याद करूं और साथ में कुछ ना कुछ नए वर्ड्स भी एड करते रहूं. ठीक है, अब एग्जाम का पैटर्न देखते हैं कि एग्जाम में ये कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं.
आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिए होंगे ये वाले वर्ड्स, रूटीन लाइफ में यूज करो इसको। अगर आपने बोलना है कि मैं नर्वस हो रहा हूं, नर्वस वाली फीलिंग आ रही है, नर्वसनेस हो रही है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टोमिक, मेरे स्टोमिक में बटरफ्लाइज उड़ रही है। ठीक है, तो चलो एग्जाम का पैटर्न में, एग्जाम में आपको दे दिया एक idiom, a red letter day। सभी अब तो स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए भी idioms पूछते हैं, वहां पे भी आती है, ऑप्शन आती है चार, तो अपने को तो टिक करके आना होता है। ठीक है, अ रेड लेटर डे, आपको फोर ऑप्शन दे देंगे आंसर में। ठीक है, आपको बोल देते हैं जी अ लेजी डे, नेक्स्ट वन अ सैड डे, ठीक है सैड डे, नेक्स्ट अ हैप्पी डे, एंड डी ऑप्शन में बोल दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है गाइस, ओके यहां तक। चलो अगर आपको ये चार ऑप्शन दे दी, आपको कहते हैं जी इस idiom का सही आंसर टिक कर दो, फ्री के नंबर आते हैं पेपर में अगर आप ये कर लो, थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं करने होते, अबंडेंस में नहीं होते, जैसे सिनोनिम होते हैं लिमिटेड से होते हैं, जो ट्रेंडी चल रहे होते हैं ना, जिनका वो फिक्स ही है, इतने आते हैं। तो चलो रेड लेटर डे, अब इसका आंसर कई स्टूडेंट्स को पता होगा और कईयों को बिल्कुल नहीं पता होगा रेड लेटर डे। अब इसका देखो, हम लोग रेड लेटर, रेड रोजेस, रेड फ्लावर्स कब लेते देते हैं, रेड ड्रेसेस कब पहनते हैं, कौन से डेज होते हैं अपनी लाइफ के, कौन से होते हैं वो अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। ठीक है, अ रेड लेटर डे, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं आई अपनी, चलो आप एक और ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, रेड लेटर डे, नन ऑफ दीज की जगह पे हम क्या कर देते हैं, नन ऑफ दीज की एन इम्पॉर्टेंट डे, नन ऑफ दीज करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा, फिर आप आंसर ऐसे करोगे। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ चार ऑप्शन दे दी, रेड लेटर, रेड रोजेस, रेड फ्लावर्स कब लेते देते हैं हम, कब शेयर करते हैं, जब हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, कौन से डेज, बर्थडे, एनिवर्सरी है ना, एंड रिटायरमेंट, एंड ये 14 फेब, क्या होता है 14 फेब, वैलेंटाइंस डे, ये बॉयज को तो मतलब पता ही होगा अच्छे से है ना। ठीक है, अच्छे से याद तो रट के रखते हैं, पूरा साल वेट करते हैं, ठीक है, कब रेड लेटर डे आएगा। तो चलो आप देखते हैं रेड लेटर डे मतलब हमारी लाइफ के कौन से डेज, इंपॉर्टेंट डेज, स्पेशल डेज। तो एग्जाम में एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसकी ऑप्शन टिक करनी है, करो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, रेड लेटर डे मतलब एन इंपॉर्टेंट डे, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, डी आंसर आएगा। जैसे ही आपने डी आंसर टिक करा, आपके अकाउंट में कितने नंबर आ गए, 1 मार्क। ठीक है यार गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट idioms एंड फ्रेजेस हैं एग्जाम के लिए, ऐसे ही हम और भी idioms एंड फ्रेजेस करते रहेंगे सिनोनिम्स की हेल्प से, हमें कभी भी कंफ्यूज, डाउटफुल इफ्स एंड बर्ड्स हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए, पेट में बटरफ्लाईज नहीं उड़नी चाहिए, खुश रहो, बिंदास रहो है ना, एंड पिंक हेल्थ में रहो। ठीक है, तो अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, थैंक यू सो मच।